फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं माय चैनल कुक फूड पैराडाइज। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूं अपनी किचन में हॉट कैपेचिनो की रेसिपी, जो कि बिल्कुल रेस्टोरेंट और बिल्कुल कैफे स्टाइल की होगी और टेस्ट बिल्कुल वैसा ही होगा और हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। बहुत ही एक्सपेंसिव होती है रेस्टोरेंट और कैफे की कैपेचिनो, तो हम बार बार उसे जाकर पी नहीं सकते, लेकिन हम घर पर बना सकते हैं और बहुत ही कम दाम में बहुत ही इजी तरीके से हम इसे घर पर बनाकर पी सकते हैं। तो साथ ही साथ मैं ये भी आपको बताऊंगी कि कॉफ़ी को बनाकर हम एक हफ्ते तक कैसे प्रिजर्व करके रख सकते हैं और इसे हमें बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं है। जब मन करे हम दूध गर्म करें और कॉफ़ी बनाकर हम रेडी करके पी सकते हैं। तो चलिए, इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक कप दूध लिया हुआ है। दूध को अभी मैंने गर्म नहीं किया हुआ है, इसे हम गर्म करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने 1/3 कप चीनी लिया हुआ है और 1/4 कप मैंने यहाँ कॉफ़ी लिया है और मैंने यहाँ गुनगुने पानी का यूज़ किया हुआ है। यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिक बीटर का यूज़ करूँगी। अगर आप इलेक्ट्रिक बीटर का यूज़ कर रहे हैं तो गुनगुने पानी लीजिए, और अगर आप हैंड विस्क या फिर फोक की हेल्प से कॉफ़ी बनाना चाहते हैं तो आप हॉट वाटर लीजिए, ताकि हमारा चीनी ईजिली उसमें मेल्ट हो जाए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक बॉल लिया हुआ है और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक बीटर का यूज़ किया हुआ है, और आप चाहे तो फोक की मदद भी ले सकते हैं या फिर हैंड विस्क का भी हेल्प ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले कॉफ़ी डाला हुआ है, उसके बाद हम इसमें डालेंगे शुगर और साथ ही साथ हम इसमें डालेंगे गर्म पानी। आप यहाँ पे फोक के हेल्प से भी इसे विस्क कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, कम से कम 15 से 20 मिनट इसमें हमें टाइम लगेगा। आप अगर फोक से करना चाहें तो आप ऐसे करके भी कर सकते हैं, इसमें 15 से 20 मिनट टाइम लगेगा आपको। तो यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक वीटर का यूज़ कर रही हूँ। 30 से 35 मिनट के लिए यहाँ पर मैं अपने वीटर के प्रोसेस को लोड ही रखूँगी। अब इसमें हमारा झाग आने लग गया है, तो अब मैं अपने बीटर की स्पीड को बढ़ाऊंगी। हमें इसे बिल्कुल हाई स्पीड से 2-3 मिनट के लिए इसे बीट करना है। हमारा कॉफ़ी बहुत अच्छे से बीट हो चुका है। देखिए, हमारी पीक बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए, जो कि हमारा ये पीक गिरे ना। देखिए, इसे हम लगभग 7 से 8 कप कॉफ़ी बना सकते हैं और इसे हम एक एयर टाइट कंटेनर में प्रिजर्व भी करके रख सकते हैं। तो चलिए, इसे हम एक एयर टाइट कंटेनर में रख लेते हैं, उसके बाद हम अपना नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। अब हम एक बर्तन में जो दूध हमने एक कप निकाला हुआ था वो गर्म कर लेंगे एक उबाल आने तक। तो चलिए, इसे हम गर्म कर लेते हैं। तो हमारे दूध में एक उबाल आ चुका है, तो इसमें हम क्या करेंगे, एक हैंड विस्क की हेल्प से हम इसे थोड़ा सा ऐसे करेंगे ताकि इसमें थोड़ा सा और झाग आए और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल के हमारे ये कैपेचिनो बने। अब हम अपनी कॉफी तैयार करते हैं। तो अब हमारा दूध बॉईल हो चुका है, तो हम क्या करेंगे, एक कप लेंगे जिसे मैंने दूध नापा हुआ था, वही कप है ये मेरा, और इसमें हम 3 चम्मच पहले कॉफी डालेंगे
इस तरह से उसके बाद हम इसमें दूध डालेंगे दूध हम थोड़ा ऊपर से डालेंगे ताकि हमारा इसमें थोड़ा झाग हो इसको हम मिक्स करेंगे इस तरह से देन उसके बाद फिर से हम दूध डालेंगे थोड़ा ऊपर तक और उसके बाद फिर से हम एक चम्मच इसमें कॉफी डालेंगे और हम इसे इस तरह से मिक्स करेंगे ये हमारी कॉफी बिल्कुल रेडी हो चुकी है तो इसमें हम एक काम करेंगे एक पेपर लिया है मैंने जिसे मैंने इस शेप में काट लिया है ये हमारा हार्ट शेप है हम इसे इस पे रख देंगे ये हमारा कैपेचिनो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बिल्कुल रेडी हो चुका है तो एंजॉय तो फ्रेंड्स आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी अच्छी लगी है तो लाइक बटन को प्रेस करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बेल आइकन को दबाएं ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय